माय गार्डनिंग माय क्रिएशन पर आप सबका स्वागत है। और आज का विषय है कि हम अपने गुलदाउदी के पौधे को अगले सीज़न के लिए, क्योंकि ये सीज़न जा चुका है इसका, और ये देखिए इसके फूल भी सब सूख गए हैं। अब हमें इसे अगले सीज़न के लिए बचा के रखना है, तो हम इसके लिए क्या करें। सब ये देखिए इसमें कितने सुंदर फूल लग रहे थे, लेकिन अब ये सब फूल खराब हो चुके हैं। ओस पड़ने से भी खराब हो गए हैं ये। और एक फूल अभी खूबसूरत सा बचा हुआ है, इसकी मैं कटिंग कर दूंगी और नीचे से जो बेबी प्लांट्स आ रहे हैं उसको इसी में ही लगे रहने दूंगी, ताकि मैं अगले सीज़न पर इसमें से कटिंग्स तैयार कर सकूं। हम इसके लिए क्या करें। सबसे पहले तो हम कटर से ये सारी जितनी भी इसकी नीचे से यहाँ से काट देंगे। ये देखिए मैंने ये सारा काट दिया है, और आप ये देखिए कि इसके अंदर नीचे शूट्स आ रही हैं, नई नई शूट्स आ रही हैं इसके अंदर। अगर ये ज़मीन पर लगा हुआ है तब भी आप काट दीजिए, और काटने के बाद थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर बुरक दीजिए। और इस अब ये गमले में है, एक तरीका ये कि अगर आपको अगले सीज़न के लिए बचा के रखना है तो थोड़ा सा इसको बड़ा हो जाने दीजिए, फिर इसके अंदर से जड़ खोदकर इसकी ऐसे इसका नीचे से पौधा आप नीचे से इसको खोदेंगे, थोड़ी सी जड़ आ जाएगी, उसे आप अलग करके किसी गमले में लगा लीजिए। ये देखिए, और इस पौधे इस गमले के अंदर कोई और पौधा लगा लीजिए। अब मैंने दो चार फूल छोड़ दिए हैं, इनमें फूल लग रहे थे इसलिए मेरा काटने का मन नहीं किया इन्हें। तो हम ऐसे करके जब ये बरसातें होंगी तब ये अपने भी पहले से हरा भरा हो जाएगा, अभी थोड़े दिनों में ये फिर से हरा भरा हो जाएगा, लेकिन इसमें फूल नहीं आएंगे। मैंने कटिंग इसलिए कर दी है कि ये देखिए ये टहनी जो इस पर फूल लगा है वो कितना पतला है, बहुत पतली है। अब ये जो नीचे से बेबी प्लांट्स आ रहे हैं उसकी जो शाखा होगी वो वाली जो टहनी होगी वो मोटी होगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और उसमें से हम बेबी प्लांट अगले सीज़न में तैयार करेंगे, यानी कि बरसातों में इसकी कटिंग्स हम लगाएंगे, ताकि हमें एक हेल्दी कटिंग मिल सके और हेल्दी प्लांट बने जिससे जिस पर ढेरों फूल आए। अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय।